मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं विभिन्न कार्यों के लिए नामित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि पाली, कौड़ीराम एवं उरवा ब्लॉक में सैंपलिंग को और बढ़ाया जाए। जनपद में प्रतिदिन कम से कम 6,000 सैंपलिंग कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला चिकित्सालय में 24 घंटे चलने वाला एक सैंपलिंग सेंटर तत्काल बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्त पॉजिटिव केस की ब्लड सैंपलिंग कराना प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि प्रति पॉजिटिव व्यक्ति कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाकर कम से कम 20 किया जाए। उन्होंने कहा कि ICC में इलेक्टोरल रोल का उपयोग करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे समस्त संक्रमित व्यक्तियों के यहाँ RRT टीम का भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए सिम्पोमेटिक को मॉर्बिड व्यक्तियों को तत्काल कोविड फैसिलिटी का शिफ्ट कराकर सुनिश्चित कराया जाए। फैसिलिटी पर न आने वाले व्यक्तियों की सूची SDM को देते हुए उन्हें शिफ्ट कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। डोर टू डोर सर्वे अभियान की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने सिम्पोमेटिक को मॉर्बिड को चिन्हित 1410 केस सैंपल लिए जाने तथा सिम्पोमेटिक को मॉर्बिड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हीकरण एवं समस्त चिन्हित व्यक्तियों की सैंपलिंग कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने BRD में उपलब्ध 150 ICU एवं 350 आइसोलेशन बेड को मरीजों के भर्ती किए जाने एवं मेडिकल कॉलेज में मृत्यु की संख्या पर नियंत्रण के लिए क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अच्छे से पालन कराने को कहा। मैं कह रहा हूँ वो दिन ब्लॉक्स करा दीजिए, एक ब्लॉक में एक हो, एक ब्लॉक में एक हो, एक ब्लॉक में एक हो, इस टाइप से थोड़ा खर्चा होगा आजकल तो आप उसमें चलिए टच वाला छोड़िए, रेसिडेंट छोड़िए, ब्लॉक्स करा दीजिए जिससे लोग जाके खड़े हो जाए और वहाँ पर RT-PCR सैंपल की अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए और 2-3 घंटे लगा दीजिए। इसको देखिए, प्लान करिए, फिर मुझे बताइए कल क्या सिचुएशन। इसमें सर एक मैं कल तंपुरी उड़ गया था कुशीनगर में, तो वहाँ के वो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि वो बेस पे से मरीज को आइडेंटिफाई करते हैं एंटी से पहले कि कोई सिम्टोमेटिक है, उसका एंटीजन करके ही अंदर अपने मरीज की ओपीडी में उनको लाते हैं। तो उन्होंने अपना कोई भी मरीज स्क्रीन बिना हुए ओपीडी होती है, वहाँ एक सिस्टम होना चाहिए कि बिना स्क्रीन हुए ओपीडी कोई ना आए। तो ये अच्छी स्क्रीनिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर करनी चाहिए, ऐसे मरीजों की ट्रायल करा करके टेस्टिंग करके तभी उनको अंदर आने देना चाहिए। अच्छा है तो कराइए, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक अच्छा सिस्टम आप कर देंगे ग्लास लगा के, थोड़ा खर्चा ही होगा, वो हो जाएगा खर्चा, बताइए कितना होगा। बट क्लीन सिस्टम जिससे लोगों का जाने का मन करे वहाँ पर। ब्लड टेस्ट का क्या हाल है सर? हमने 127 सैंपल्स भेजे कर सर, जिसमें हम लोगों ने 47 रूरल में है सर, क्योंकि रूरल में तो नहीं है। आपका ब्लड टेस्ट वाला इसमें रिपोर्ट नहीं है जी सर, सर में हम लोग अभी ट्रायल फेज में ही चल रहे हैं। अरे ट्रायल फेज, इतना ट्रायल थोड़ी ना, कोई वैक्सीन का ट्रायल थोड़ी ना कर रहे हैं। तो मैं लगा दूँगा, इसको लगाइए। कल कितने लोग पॉजिटिव थे अर्बन में? अर्बन में 85 सर। 85 में कितने का किया आपने? अर्बन में सर 7 सैंपल्स भेजे हैं सर। बहुत कम भेजे आप, 10% के आसपास भेज रहे हैं। देखिए इसको बार रूरल में, रूरल में सर कल सैंपल्स 7 तारीख को सर किया गया है सर, 8 की अभी सूची हम लोग आज देंगे सर। वो लोग इतना विलम्ब क्यों होता सर? एलटी का सर बहुत प्रॉब्लम है सर रूरल में, जो एलटी सैंपल निकाल रहा है सर वो निकालना नहीं चाहता, क्योंकि ब्लड सैंपल जब वो निकालेगा सर तो खुद उसी को आके सर यहाँ कर रहा है। और सर दो दिन की रिपोर्ट भी मेरे पास आई है, वो क्वालिटी रिपोर्ट्स नहीं है सर। हमने देखा सर वो जनरलाइज रिपोर्ट सर TLC भर के भेज रहे हैं। तो
सर जब उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई एक पॉजिटिव है वो नहीं ले पाए, दो पॉजिटिव है तो वो नहीं ले पाए, दूसरे से नहीं ले पाए, तो वो कर नहीं रहे सर गुजर।